बाथरूम में नगर नल और बेसिन को उखाड़ ले गए। लेकिन हैरानी की बात है, इस दौरान घर में और भी कई कीमती सामान रखा है, उसको हाथ तक नहीं लगा। इस समय की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चोरों ने एक बार फिर से अपनी दस्तक दी है। आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना के ये आवास है, सरकारी आवास है, जहां पर चोरों ने फिर से एक बार चोरी की है। और ये आवास राजद विधायक हैं शाहपुर कमाल से, उनका ये आवास है। और देखिए, ये आवास में पिछले दो दिनों से जो है चोरों का जो आतंक है वो जारी है, और दूसरी बार भी जो है चोरों ने चोरी की है। और देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो विधायक हैं उनके आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड आपको दिखा रही है। देखिए किस तरीके से जो चोरों ने जो यहां पर चोरी की है, तो देखिए तमाम चीज़ों को दिखा रहे हैं कि देखिए ये बेसिंग है और जितने भी नल है वो सब नल निकाल दिए गए हैं, और इधर भी देखिए सारे नलों को निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह दूसरी बार है जो कि शाहपुर कमाल से जो विधायक है उनके आवास पर चोरी हुई है। और हम बात भी करेंगे उन लोगों से जो यहाँ पर रहते हैं, या फिर जो विधायक हो वो तो फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन हमारे साथ विकास जी हम बात करेंगे। विकास जी, क्या कुछ हुआ था ये बताइए। सर, ये पिछले 48 घंटे में दो बार जब घर में कोई मौजूद नहीं था उस टाइम चोर पिछला दरवाज़ा तोड़ के घर घुसते हैं और बाथरूम में नगर नल और बेसिन को उखाड़ ले गए। लेकिन हैरानी की बात है, इस दौरान घर में और भी कई कीमती सामान रखा है, उसको हाथ तक नहीं लगाया। मतलब कि आवास पे कोई नहीं रहता? नहीं, आवास पर लोग रहते हैं, तो उस टाइम मतलब जिस टाइम घटना हुई उस टाइम कोई मौजूद नहीं था। विधायक जी फिलहाल दिल्ली में है। अच्छा, तो अभी घटना के क्रम में कोई नहीं थे? नहीं, जब मतलब सोने घर में हुआ उस टाइम कोई नहीं था। अच्छा, क्या कुछ चोरी भी हुई है? सिर्फ नल और बेसिन, इसके अलावा दरवाज़ा तोड़ा है और कुछ नहीं। दूसरी बार चोरी हुई है? मतलब कि ये शनिवार रात को देर रात हुई होगी, लेकिन मुझे उसकी जानकारी संडे सुबह जब मैं जगा तो हुई है, क्योंकि शनिवार देर रात मैं 11:30-12 बजे लौटा था बाहर से, आया सीधे ऊपर चला गया, नीचे देखा नहीं। सुबह उठ के नीचे जब आता हूँ देखता पूरा फर्श पर फ्लोर पर पानी फैला हुआ है, तो मैं नीचे यहाँ जब आके देखा दरवाज़ा टूटा हुआ है, बेसिन टूटा हुआ है। फिर मैंने कोतवाली थाना में मैं संपर्क किया, वहाँ से टीम आई, जांच की, मतलब मामले छानबीन किया, उसके बाद मैं वहाँ गया, एफ आई आर दर्ज कराया। उसके बाद सोमवार को जो गेट टूटे हुए थे इसको मैंने फिर से रिपेयर करवाया, और मैं देर शाम मतलब शाम के समय में कहीं निकल गया। जब उधर से लौट के आया 9:30 बजे, फिर वही सेम वारदात, दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर आया। किधर वाले गेट से? ये पीछे वाले गेट से, पीछे वाले, ये पीछे वाले गेट से। हाँ, और आप देखेंगे पीछे कई सारे और आप देखेंगे पीछे कई सारे दुकानें हैं। हाँ, बिल्कुल कैंपस से सटा हुआ है जी, और सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, जो चोर हैं वो इसी को छड़प कर ये अंदर इन करते हैं। अगर ये दरवाज़ा टूटता है तो इसका मतलब है कि इधर से ही करते हैं। ठीक है, तो इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की है, और दूसरी बार भी हुई है, तो दूसरी बार भी आप लोग दूसरी बार जैसे हुआ उसे मैंने थाने को सूचित की, थाने से टीम आई, मैं थाने पे भी गया, SHO साहब से मेरी बात भी हुई है, मामले की छानबीन चल रही है। तो क्या लगता है, CCTV कैमरे खंगाली जा रहे हैं? CCTV कैमरे सर के पूरा कैंपस में कहीं है नहीं? है नहीं, नहीं। और अगर पीछे का साइड उधर हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। चलिए, तो देखिए ये वारदात लगातार दूसरी बार है, माननीय के घर पर चोरी, ये बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए ये बड़ी बात कि CCTV कैमरे भी जो है इस कैंपस में नहीं है, और लगातार जो चोर है वो अपना आतंक इसी तरह जारी है। इससे पहले भी पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के भी आवास पर चोरों ने चोरी की थी, और उसके बाद जो है राजद के विधायक उनके घर पर भी लगातार दूसरी बार भी चोरी हुई है, और कोतवाली थाना में जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है। देखने वाली बात है कि क्या पुलिस प्रशासन इन सब मामलों पर क्या कुछ करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार।